वायरस के कारण मुर्गियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह से मंगलवार को वेलागवी और कोलार जिले के मुर्गी पालन करने वाले किसानों ने अपने फार्म की हजारों मुर्गियों को जिंदा दफन कर दिया। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को एक पोल्ट्री फार्म के मालिक नज़ीर अहमद मकंदर ने कोकक के नुलसोर में तकरीबन 6,000 मुर्गियों को जिंदा गड्ढे में दबा दिया। उन्होंने कहा कि पहले मुर्गियां 50 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, लेकिन अब इनकी कीमतों में इतनी गिरावट आ गई है कि 5 से 10 रुपये किलो में बेची जा रही हैं। नज़ीर ने मुर्गियों को गड्ढे में जिंदा दफन करने का एक वीडियो भी शूट किया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसके साथ यह भी अफवाह फैल रही है कि इन मुर्गियों को कोरोना वायरस फैलने के डर के कारण जिंदा दबा दिया गया है। बता दें, नज़ीर गोकक की एक पोल्ट्री फार्म के मालिक भी हैं।